बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, कंप्यूटर लर्निंग सोल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हमारी जो क्लास थी, क्लास नंबर 12 तक का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो चुका था, और आज क्लास नंबर 13 को मेन्यूज वाले से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गो टू, इस ऑप्शन में हमने क्लास 12 का टॉपिक वाइंड अप किया था, और क्लास 13 के टॉपिक को गो टू स्पेशल के ऑप्शन से आज कंटिन्यू करते हैं, और इंशाल्लाह आज इस लिस्ट को हम यहाँ तक फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है, देखें इसमें लिखा हुआ आ रहा है गो टू स्पेशल। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहा है, कॉन्टेंट्स आ रहा है, फॉर्मूलाज आ रहे हैं, उनमें जो चंदे हमारे खास काम के हैं वो हम सीख लेते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर शीट बनी हुई मौजूद हो, यानी कि टेक्स्ट टाइप किया हुआ हो। अब हमारे पास यहाँ पर ये टाइप किया हुआ टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है, और कुछ एरिया पे हमने जो है यहाँ वैल्यूज वगैरह पुट की, ठीक है। ये आपने पढ़ा था सम का फॉर्मूला, ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आ जाएगी और एंटर करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके कमेंट टाइप करना चाहते हैं कमेंट टाइप कर सकते हैं। अब देखें कर्सर आप खाली जगह पर कहीं भी क्लिक कर दें और यहाँ पर आए गो टू स्पेशल। अब यहाँ कहा जा रहा है कमेंट्स, यहाँ जहाँ कमेंट्स होंगे उस जगह पर सिलेक्शन आ जाएगी, सिलेक्शन आपकी ऑटोमेटिकली वहां जाएगी ओके करने पर। देखें कमेंट कहाँ था, यहाँ पर था, ये सिलेक्शन आ चुकी है क्योंकि रेड पॉइंट है, माउस ले जाने पर बता रहे हैं। अब शीट के अंदर जहाँ जहाँ कमेंट्स हो, चाहे वो एक हो या 10 जगह पर हो या जितनी जगह पर हो, तमाम जगहों की सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। गो टू स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर पूछा जा रहा है कि क्या करें, यहाँ पर जो नंबर हो, टेक्स्ट हो, लॉजिकल्स या एरर्स वगैरह जो भी, उसको हाईलाइट करेगा, जितना भी टेक्स्ट वगैरह था, चाहे उसमें फॉर्मूलाज अप्लाई किए हुए थे नहीं किए थे, जो भी टेक्स्ट वगैरह था वहां पर ये जा चुका है, ठीक है, जितना जो कुछ टाइप किया हुआ था, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर गो टू स्पेशल। अच्छा, इसके अंदर देखें मजीद यह सेटिंग थी कि यहाँ पर नंबर्स वगैरह सब चीजों को हमने सेलेक्ट किया था, अब इनको अनचेक कर देंगे तो वो चीजें सिलेक्ट नहीं होंगी, और जिस पर चेक लगा होगा वो चीजें जो है वो सिलेक्ट होंगी। अब फॉर्मूलाज के ऑप्शन पर अगर हमने क्लिक किया, हम चाहते हैं जहां यहाँ पर क्या हो, फॉर्मूलाज हो, फॉर्मूलाज कहाँ पर हो, नंबर्स पे हो, टेक्स्ट पर हो, या लॉजिकल फॉर्मूलाज हो, या एरर्स वगैरह जो फॉर्मूलाज के हो, वो यहाँ पे जो नंबर पे है सिर्फ उसको हाईलाइट करे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखें इस नंबर के ऊपर मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया था, उस फॉर्मूले को उसने हाईलाइट कर दिया है, मतलब सिलेक्शन ले ली है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर गो टू स्पेशल के ऑप्शन पर आएंगे, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ब्लैंक्स, जो खाली जगह होंगे उसको हाईलाइट करें, ओके पे क्लिक करेंगे, जितना भी यानी कि उस शीट के मुताबिक टेक्स्ट एरिया आ रहा है वो सारा का सारा देख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, जहां से जहां तक हमारे पास टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लैंक्स जगह को हाईलाइट कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आए गो टू स्पेशल के ऑप्शन पर, लिखा हुआ आ रहा है करंट रीजन, अरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह जहाँ ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पर जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट्स बने हों, ऑब्जेक्ट्स जहाँ जहाँ शेप्स हों, ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर शेप्स का टॉपिक आगे आएगा तो शेप्स को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और इस तरीके से चंद एक चीजें और दी हुई है, लेकिन जो मेरे समझाने के लिए फिलहाल मैंने समझा दी आपको यहाँ तक, बाकी ये जो सेटिंग्स वगैरह है मजीद ये एडवांस एक्सेल के हवाले से है, वो अलग से टॉपिक है, अगर हमने एडवांस एक्सेल का टॉपिक स्टार्ट लिया तो उसमें इंशाल्लाह फिर उसको डिटेल से आपको इस बारे में गाइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। खैर कैंसिल पे क्लिक करें बाहर आने के लिए, ये था यानी कि गो टू स्पेशल के हवाले से। आप देखें यहाँ पर लिखवा रहा है फॉर्मूला, जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज अप्लाई किया गया वहाँ की सिलेक्शन आ जाएगी। अब एक जगह फॉर्मूला अप्लाई किया गया, यहाँ मैंने जाकर फॉर एग्जाम्पल काउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई किया, काउंट ए, काउंट ऑल मतलब, अब ये क्या है, मैंने इस पूरे कॉलम की सिलेक्शन ले ली, और अब क्या होगा, अब मैंने एक फॉर्मूला यहाँ और एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, अब वो चाहे टेक्स्ट पर हो या जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज हो, देखें यहाँ जाकर करेगा एक ही और एक ही, ठीक है, मतलब फॉर्मूलाज की जगह पर जाएगा। कमेंट्स यहाँ पर वही सेटिंग जो अंदर दी थी यहाँ बाहर दी हुई है वो, ठीक है, कमेंट्स को हाईलाइट करेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जा रहा है नो सेल्स वेयर फाउंड, यानी कि सेल फाउंड नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वैल्यूज हमारे पास हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, ये पढ़ा था लास्ट टाइम आप लोगों ने टॉपिक, तो यहाँ पर जाकर मैंने जैसे सेल्स को हाईलाइट कर दिया, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, जहाँ जो अप्लाई की थी उसकी सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे कॉन्स्टेंट्स, फिर वही सेटिंग आ गई थी जहाँ जहाँ पर हमारे पास ऐसा टेक्स्ट और वैल्यूज है जहाँ फॉर्मूला अप्लाई ना किया गया हो तो उसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आए इसके अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डेटा वैलिडेशन, ये भी एडवांस एक्सेल का उससे रिलेटेड है इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पेन, चलिए इस बारे में समझ ही लेते हैं।
इंसर्ट के मेन्यू पर आएंगे, शेप्स के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करें और ड्रॉ करें। ये शेप आ चुकी है हमारे पास। अब जब ये शेप आ चुकी है तो इस शेप को कंट्रोल माउस से क्लिक करके चाहें तो डुप्लीकेट बनाना चाहे बना सकते हैं। डबल क्लिक करने पर ये सेटिंग आएगी, यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल से हमने आपको जो एमएस वर्ड की क्लास थी उसके अंदर समझाया था ये टॉपिक, तो यहाँ शॉर्टकट बता रहे हैं और इंशाल्लाह आगे फिर ये टॉपिक आएगा एक्सेल के अंदर, तो वहाँ भी हम इसको थोड़ा सा गाइड करेंगे, इस बारे में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि होम मेन्यू पर आए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट्स से मुराद यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं, शेप्स भी हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसके जरिए आसानी से ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे कितनी आसानी से सिलेक्शन आ गई। अब इसकी पहचान ये कि देखें ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सिलेक्ट हो चुके हैं आसानी से। डबल क्लिक करके अब देखें एरो नहीं आ रहा, कर्सर हमारा एरो की कंडीशन में नहीं आ रहा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर हमारा एरो की कंडीशन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्शन पे। अब जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके आई हाइड कर देंगे, आई क्लोज करेंगे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, आई ओपन करेंगे ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट है तो देखें कमेंट भी हाइड और शो कर सकते हैं आप। हाइड और जितनी चीजें हैं सारी हाइड शो और सारी चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी क्लास हमारी 13 के हवाले से, यहाँ तक ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। मेन्यूज की क्लास 13 का टॉपिक हमारा यहाँ तक वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 14 के हवाले से कंटिन्यू करेंगे। मेन्यूज की क्लास 14 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाजत चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।